मैंने इसकी ऊंची चढ़ी आई तो चुप रहा बेचारा। अब चुप क्या है, बोलते नहीं बनता, मुंह नहीं है क्या, इतना आकाश क्यों है। तब पेड़ बोलता है, देख मैं तो 150 साल से खड़ा हूं, तू 126वीं है जो ये कह रही है। हर साल ऐसे ही मैं देखता रहता हूं, जून जुलाई में कोई लता ऐसी ऐसी चल जाती है, सितंबर तक ऊंचा रहती है, और जैसे फरवरी मार्च आता है पता नहीं कहां चली जाती, खत्म हो जाती है। भारत की ये तासीर है, भारत का ये तेवर है मित्रों, इसको समझने की जरूरत है, इसके अनुसार रचना की जरूरत है, इसको एक खास ढंग से इसीलिए गढ़ा है, और ये सृष्टि के सिद्धांत के अनुरूप है, प्रकृति के अनुकूल जीवन, यही मंत्र है जीवन का। मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं है, नियंता नहीं है, मनुष्य प्रकृति का महज हिस्सा है। जीवन का मंत्र संघर्ष नहीं है, सहकार है। जीने दो और जियो, ये मंत्र है, जियो और जीने दो केवल नहीं, सभी रहे तब हम रहे, सभी की कीमत पर हम ना रहे, हमारी कीमत पर सब रहे तो रहे, ये भारत ने सीखा और सिखाया है। इससे भारत का वो वैश्विक लक्ष्य है, इसलिए भारत सनातन है। इसको जब हम समझते हैं, फिर 1857 को जब देखते हैं, तब हमको अगला चरण ध्यान में आता है, वो यानी जैसे भी बताया ना बंग भंग की बात, 1905 साल, भैया वंदे मातरम का 125 साल हो रहा है लिखने का, 1880 में लिखा बंकिम चंद्र ने, प्रेरणा कैसे मिली, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। कब ध्यान में आया, जब मिलकर वो अपने गांव की ओर जा रहे थे 30-35 किलोमीटर कलकत्ता से, तब शिष्य श्यामलान गूंजा उनके समक्ष, उसमें से वंदे मातरम की स्वर्णरी फूटी। उससे पहले ही 1764 में साधुओं ने विद्रोह किया था बंगाल में, उस विद्रोह की स्मृति में गूंज रहा था मंत्र वंदे मातरम। उसी का साक्षात्कार बंकिम चंद्र को हुआ, और ये वंदे मातरम ये धुन नहीं, ये नारा नहीं, ये साधुओं की साधना के कारण उद्भूत सिद्ध मंत्र है। इसलिए इस मंत्र में वो शक्ति आई कि लोग अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए निसंकोच सामने आने लगे। नौजवान प्राणाहुति की प्रेरणा देने का सामर्थ्य इस सिद्ध मंत्र में है, वो वंदे मातरम। मां तारा की साधना से सिद्ध मंत्र है वो। मां तारा वो देवी है जिसकी पूजा अर्चना श्री रामचंद्र ने लंका में पार जाने के बाद, आक्रमण करने के पूर्व पूजा अर्चना की मां तारा की, तब शस्त्र लेकर प्रयाण किया युद्ध के लिए। उस देवी का सिद्ध मंत्र उन सन्यासियों ने जो पाया, उसके कारण 1764 में अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे, उसी के कारण उस वंदे मातरम की गीत लहरी के मंत्र के कारण हजारों हजार लाखों लाख लोग प्राणों को हथेली पर लेकर अब ब्रिटिश को हम हटाएंगे के दौर में लग गए थे नौजवान। सामान्य आदमी उस मंत्र से इतना प्रेरित हुआ था, वो माहौल इतना जगा था, और ये जब उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया, आपको मालूम है ना, तब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, महर्षि अरविंद, वारिंद्रनाथ घोष, विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त, ये सब बढ़ने लगे। 1902 में स्वामी विवेकानंद का शरीर छूट गया। ये सब बातें जब हो रही थी तो उसके पहले के समय में ही बहुत बड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसको कहते हैं ना बंगाल बिहार असम उड़ीसा मिला के, वो अंग्रेजों का केंद्र स्थान था, कलकत्ता उसका केंद्र था। और 1857 के बाद 1857
75 के बाद 1880-1835 में स्वामी रामेश्वरम का जन्म होता है। 1869 में बंकिम चंद्र का संपर्क रामकृष्ण से होता है। 1880 में इस गीत की रचना सामने आ जाती है। फिर 20 वर्ष में जो फिलोर मचता है बंगाल प्रेसिडेंसी में, अब इसको कैसे काबू में लाए समझ में नहीं आता है। तब उसमें से पूरे बंगाल को हम काबू में नहीं करेंगे अगर, तो बाकी भी देश हाथ से चला जाएगा, सोचने लगते हैं अंग्रेज। पहले वो समझते थे कि बंगाल वाले तो केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन इस वंदे मातरम की प्रेरणा के कारण अब उनको बम के विस्फोट के धमाके सुनाई पड़ने लगे जगह जगह पर। वंदे मातरम के उद्घोष के कारण जगह जगह उनको रहना असंभव हो गया और ये लहर दूर दूर तक फैलने लगी। तब इसका शमन करने के लिए उन्होंने सोचा था कि हम अलग अलग करके टैकल करें। तब उसमें से बंगाल को दो हिस्से में बांटने सोचा। उसमें से कम पूरब का हिस्सा अगर मुस्लिम बहुल बन जाए तो हमको नियंत्रण जल्दी हो जाए और उनको इनके खिलाफ जुझा देंगे, तो बाकी का भी आधा बंगाल कमजोर पड़ जाए, ये उन्होंने रणनीति सोची। इस रणनीति को भांप लिया इस वंदे मातरम के अनुवर्ती लोगों ने और उसी वंदे मातरम के भाव में तीन माताओं का उद्भव सबकी नजर के सामने आया, जो बंगाल की परंपरा के साथ बहुत मेल खाता था। बंग माता, भारत माता, काली माता। अभी तीनों माताओं का समुच्चय लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी, काली, दुर्गा के रूप में, बंग माता, भारत माता, काली माता की इस त्रिकोण के रूप में शक्ति संचार का माध्यम बना। उसमें मूल मंत्र वंदे मातरम, इससे फिर ये जन ज्वार फैला और इसमें से ही फिर स्वदेश भक्ति, इसमें से ही काली माँ का हमें वरदान है कि हम तो विजयी होंगे ही, इसमें से ही अंग्रेजों ने जब सोचा था कि अक्टूबर महीने में हम घोषणा कर देंगे, तो अगस्त महीने से ही ऐसा ज्वार चला सब तरफ कि उस दिन तय हुआ। और कार्यक्रम क्या, धार्मिक कार्यक्रम, जैसे शिलान्यास नहीं हुआ था, शिला पूजन नहीं हुआ था राम जन्मभूमि का, पादुका पूजन जैसे बात नहीं हुआ था, वैसे ही राम शिलाओं के पूजन के समान वैसे ही धार्मिक बिंब उस समय बने थे कि सब लोग हुगली में स्नान करेंगे, सब लोग सांकर के नंगे पैर चलेंगे, इकट्ठे एक जगह आएंगे और एक दूसरे को राखी बांधेंगे और सभी वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए आएंगे। उसी प्रकार सब इकट्ठा आ गए थे और इकट्ठा आने के बाद सब ये भी ध्यान में आ गया था कि नाक दबाओ तो मुंह खुलता है, तो अंग्रेजों की नाक दबाने का उपाय यही है कि ये लोग जो हमारे अपने बाजार को वो कब्जा करना चाहते हैं उनके माल से, इसलिए हम उनके माल का बहिष्कार अगर करेंगे तो उनकी नाक दबेगी तब मुंह खुलेगा। उसमें से ही बंग भंग के 1905 में से स्वदेशी का नारा चला, उसी में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विषय चला। हम मोटा पहनेंगे, हम मोटा खाएंगे, लेकिन उनका न खाएंगे न उनका हम पहनेंगे न हम उनका पहनेंगे। उसमें से ही देसी स्कूल परंपराएं शुरू हो गई। उसी समय में महात्मा गांधी ने भी अपने पत्रों में वंदे मातरम का उल्लेख साउथ अफ्रीका से किया है। वंदे मातरम की गूंज साउथ अफ्रीका तक पहुंची थी कि अपने पत्रों में नीचे वंदे मातरम के अभिवादन के साथ महात्मा गांधी अपना नाम लिखते थे। ये फैलता चला गया और ये 6 वर्ष लगे। अंग्रेजों को लगा कि अब संभव नहीं, नीति बदलनी चाहिए, थोड़ा थमना चाहिए। और तब 1911 में वो बंग भंग का कानून उन्होंने वापस किया था। देसी जीता था, भारत माता की उस समय जीत हुई। बंग माता, भारत माता और काली माता के जोड़ के कारण ही उस बंग भंग में पूरे भारत के लोगों का समर्थन जुट गया। देश भर के आजादी की लड़ाई में लगे हुए क्रांतिकारी हो तो या अन्य प्रकार से मोबिलाइजेशन करने वाले हो तो सब लोग उस आंदोलन में टूट पड़े, कूद पड़े थे और सबने किसी ने निशस्त्र किसी ने सशस्त्र अंग्रेजों को जवाब देने के काम में अपने को झोंक दिया था। उस समय
और इतनी लहर मची थी कि छोटा सा एक लड़का अवनी वो जेल में बंद है, वो कहता है कि नहीं नहीं हम कितना भी काम करेंगे तो क्या, एक बार वंदे मातरम सुना दो। एक दत्तो नाम का है, उसको काले पानी की सजा होने वाली है और वो जेल खड़ा है जज के सामने और वो कहता कि नहीं, वो फिर गाना शुरू कर देता है वंदे मातरम का। तब जज, सरकारी वकील, पुलिस के लोग सब खड़े होते हैं, पुलिस ले जाना चाहती है, मना होता है कि नहीं निकले, पूरा गीत गाने दो। ये हुआ इसी का पुण्य प्रताप था कि वो जो झोंका चला वो आंधी बनता चला गया और वही आंधी उस मंत्र के कारण जो चालित हुई थी तो वही अंत में अंग्रेजों के बेड़े को गर्क कर गई थी। उसमें सशस्त्र क्रांतिकारियों की भी आत्माहुति का योगदान था, उसी में वीर सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज का भी योगदान था, उसी में नेवी के सैनिकों के विद्रोह का भी योगदान था, उसी में सावरकर का योगदान था, उसी में गांधी जी के नेतृत्व में चले आंदोलनकारियों का भी योगदान था। पूरी भारत माता ने अपनी जंजीरों को तोड़ने काटने का फैसला उस समय कर लिया था। वो तो चले गए, आगे की चुनौतियां आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ कर गए। आगे की चुनौती है कि अखंड भारत सच है कि पाकिस्तान की सच्चाई है। अखंड भारत सत्य है और इस सत्य का साक्षात्कार होना इसका सपना नहीं संकल्प धारना आज युग का तकाजा है। संकल्प जब धारते हैं तो सपना साकार होता है। लेकिन 1800 साल तक बियाबान में भटक रहे यहूदियों का वो संकल्प अगले साल हम मिलेंगे जेरूसलम में, 1800 साल बाद दुनिया में रंग लाता है, इसराइल अरबों की छाती पर राष्ट्र के नाते से फिर से उदित होता है, इतिहास बदलता है संकल्प के कारण। लोग तो नकार चुके थे ना, क्या राष्ट्र आर्थिक आंकड़ों से नहीं चला करते, सभ्यताएं तर्क और कुतर्क से नहीं चला करती, उनकी अपनी ताकत होती है। इसलिए इसराइल और बाकी की लड़ाई में संसद के समय में लॉजिस्टिकली देखेंगे तो युद्ध की सामग्री के आंकड़े तो बताते थे कि इसराइल का बचना असंभव। क्या हुआ संकल्प शक्ति, जो देश सपने नहीं पालते संकल्प नहीं धारते वे देश सड़ते हैं, क्योंकि वो स्मृति भ्रंश और स्मृति लोग के शिकार होते हैं। तो जो भी कब्जा जमाए रखना या कब्जा करना चाहते हैं उनके लिए सबसे सफलतम सबसे ज्यादा जहरीला अगर कोई हथियार उनके पास होता है तो उस देश के लोगों का स्मृति भ्रंश कर देना है। हम भारतीय होने के अस्तित्व को अपने कर्मों से सार्थक करके दिखाएं, इसके लिए परमपिता परमेश्वर हम सबको प्रेरणा, मुझे और आपको संबल प्रदान करें, यही प्रार्थना करता हुआ।